एवरी वन वेलकम इन इंग्लिश जोन मेरा नाम कामना केसरवानी है मैं जो सीरीज़ आपको पढ़ा रही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की आज मैं उसका सेकेंड टॉपिक जो कि नाउन है है न जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैंने आपको बताया था नाउन प्रो नाउन उसका जो फर्स्ट मेम्बर यानी कि जो हमारे भैया जी है ना जो ट्विन ब्रदर्स में हमारे भैया जी थे उनके बारे में बताएंगे और लेकिन उसके पहले आई जस्ट वॉन्ट टू टेक अ क्विक रिकैप विद यू ऑल सो आई थिंक यू ऑल आर रेडी एंड यू ऑल आर रेडी एंड एबल टू गिव द आंसर्स ऑल्सो ऑफ दोज क्वेस् है ना आप सिर्फ तैयार ही नहीं हैं उनके आंसर्स भी आप देंगे और आंसर्स कहाँ देंगे आप हमें तो नहीं बता सकते हैं सो जस्ट राइट दैम इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ स्पीच इज यूज टू जॉइन this is wrong actually two sentence two clauses T -W -O, two clauses or sentences together which part of speech is used to join two clauses or sentences together the next question is which part of speech expresses sudden emotion which part of speech expresses sudden emotions नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ स्पीच रिप्लेसेस अ नाउन अच पार्ट ऑफ स्पीच रिप्लेसेस अ नाउन एंड द लास्ट वन विच पार्ट ऑफ स्पीच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन हिंदी में बता देते हैं आपको सारे क्वेश्चंस का मतलब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो टू क्लॉजेस और सेंटेंसेस को जोड़ता है तो आंसर इज ऑलरेडी गिवन हियर द आंसर इज द आंसर नंबर वन इज Conjunction. Alright. Which part of a speech expresses sudden emotions? That is interjection. Which part of a speech expresses sudden emotions? That is interjection. Which part of a speech replaces a noun? Which part of a speech replaces a noun? That is a pronoun. Yes, that is a pronoun. I know you all you all are giving the answers also with me. Uh, which part of speech is placed before a noun? Which part of speech is placed before a noun? And the answer is an adjective. Noun. Ram is a boy. Ram is a boy. So what is a noun here in this sentence? Noun क्या होते हैं? Noun वो होते हैं जो किसी चीज़ का नाम होता है। जैसे नाम क्या है यहाँ पर? Ram और बॉय राम हम किसी एक स्पेसिफिक लड़के को हम उसका नाम देते हैं राम राम किसी बच्चे का नाम है है ना और किसी और जो लड़कों के ग्रुप जहाँ पर ढेर सारे लड़के होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं बॉय ठीक है इसी तरह से बहुत सारे जो जो भी नाम है इस दुनिया में जो भी नाम है किसी भी चीज़ का जैसे टेबल फैन है ना लाइट क्लास स्टूडेंट टीचर राम श्याम प्रयागराज चाइल्ड ऑनेस्टी बेबी गैगल गार्डन दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स नाउन्स क्या हैं फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं जो भी नाम है वो सब नाउन्स हैं हिंदी में आप लोगों ने संज्ञा पढ़ी होगी जो भी नाम है है ना किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं वैसे ही इंग्लिश में जो भी प्लेस नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इवन द फीलिंग्स आइडियाज दे ऑल आर इवन आइडिया आइडिया वर्ड भी एक नाउन है एक संज्ञा है क्यों क्योंकि आई हैव एन आइडिया आइडिया क्या है यहाँ पर एक नाम है ठीक है उसके बाद ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपको आपने बहुत सारे सिंपल नाउन जैसे राम श्याम ये तो सभी जानते हैं है ना ये सारे बहुत सिंपल नाउन्स हैं बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हमें समझने में बहुत दिक्कतें आती हैं कि अरे क्या ये नाउन है या नहीं है तो आज मैं उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के लिए आई हूँ है ना uh, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे आप पता चलाएंगे कि वेदर दीज वेदर सम वर्ड्स विच यू कैन नॉट ईजिली आइडेंटिफाई वेदर दे आर नाउन्स और नॉट दैन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दोज नाउन्स एज वेल है ना कैसे आप जो समझ में नहीं आने वाले नाउन्स हैं उनको भी इजीली आइडेंटिफाई करोगे और बता पाओगे कि दिस इज नाउन इन सेंटेंस ऑल राइट नाउ कीप वाचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू